हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और थोड़े से प्रेशर में होंगे। थोड़े से प्रेशर में होंगे तो ही ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रेशर में होंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो रिलीज द प्रेशर। याद रखिए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है और कोई भी आपकी बाउंड्री के बाहर नहीं है। अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है, नई चीज़ों को ट्राई मत करिए। पुराने नोट्स आपके हैं, जो कंप्लीट नोट्स हैं उनको एक बार देखते रहिए, आए हुए क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, आज बच्चों हम लोग पूरा 45 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट पेपर होगा। और स्टैंडर्ड टाइम जो आपको मिलेगा वो 1 मिनट का मिलेगा और ये पूरा इंटरैक्टिव है। इसमें आप जो है क्वेश्चंस का आंसर आप करते जाइए, क्वेश्चंस का आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा और सॉल्व करिए और जो भी हो आप उसको जवाब देते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस करें। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज फिजिक्स फॉर नीट 2023, जिसका एग्जाम आपका 7 मई को है। स्टार्टिंग विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप सब लोग प्रिपेयर होंगे, अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पी क्यू आर टू पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज। इसमें वेलोसिटी का ऑर्डर आपको बताना है। आपका 1 मिनट स्टार्ट हो चुका है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन बेस्ड मैथमेटिकली देखें, हमें पता है इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहां से सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसको मान लेते ओ, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है ओपी, उसके बाद ओसी, उसके बाद ओक्यू। और हमें मालूम बच्चों वी बराबर आर ओमेगा, तो इसका आर जितना ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस उतना, उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा, यानी वीपी is greater than VC is greater than VQ। कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? VP greater than VC greater than VQ। आपका ऑप्शन है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पैटर्न ऑफ लेंथ L is T1 and time period of a uniform rod of the same length L pivoted one end oscillating vertical planes T2. Amplitude of oscillation both the cases small than T1 upon T2 is. सिंपल पैंडम टाइम पीरियड क्या है बच्चों? 2πL/g, सबको पता है ये T1 है, एक रॉड है, एक एंड पे पिवोटेड और ये थीटा एंगल पे ऑसिलेट कर रही है। तो उसको वापस कौन ला रहा है? जब भी रॉड ऑसिलेट कर रही है, दैट इज ऑसिलेटिंग बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग टॉर्क, ये एंगल थीटा हो गया। हमें मालूम है इसको स्प्लिट करेंगे, ये एंगल थीटा हो गया, इधर एम जी कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा, ये हो गया एम जी साइन थीटा। तो जो टॉर्क लग रहा है कितना लगेगा? ये डिस्टेंस हो गया हमारा L/2। तो फॉर द रॉड टॉर्क इज एम जी साइन थीटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 and torque is equal to I alpha, because angle is very small, तो sin theta को theta मानेंगे, तो mg into theta,
इंटू एल बाय टू इक्वल टू आई। रॉड का कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक एंड पे रोटेट कर रही है, दूसरी एम स्क्वायर बाय थ्री इंटू अल्फा। यहां से बच्चों में देख रहा है कि एम और एम कैंसिल हो गए, एक एल कैंसिल हो गया, अल्फा हमारे पास कितना हो गया 3 बाय टू जी थीटा बाय एल, 3 बाय टू जाएगा, एल नीचे जाएगा। कंपेयरिंग विद ए एस एच एम ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर, तो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी कैन कंपेयर फ्रॉम हियर, ओमेगा स्क्वायर क्या बच्चों 3 जी बाय 2l, और यू कैन से ओमेगा इज व्हाट अंडर रूट 3 जी बाय 2l, और इसे हम कहते हैं 2 पाई बाय t, तो ये हमारा t2 है, t2 बन गया बच्चों 2 पाई अंडर रूट 2l बाय 3g। हमें बताना है t1 अपॉन t2 का रेशियो, तो क्वेश्चन इज सॉल्व। इतनी पूरी चीज हमें यहां दिख रही है, तो इसका जब t1 अपॉन t2 लिखेंगे तो इट विल बी अंडर रूट 3 बाय 2, सो द आंसर इज सी। स्टैंडर्ड 1 मिनट का क्वेश्चन था ये, हाँ इसे पूरा एक मिनट आपका इन्वॉल्व हो जाता। Ball of mass and radius r is released in viscous liquid. The value of its terminal velocity is proportional. Iski terminal velocity kiske proportional hai? Iske liye aap le sakte hain 40 seconds. Time start hoga 40 seconds. देखो बच्चों, हमें मालूम है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 बाय 9 जी रो माइनस सिग्मा इनटू आर स्क्वायर अपॉन थीटा, सॉरी। अब इसमें मास आर कई चीजें इसमें इन्वॉल्व करती है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में कोई मास तो था ही नहीं, तो मास बच्चों में कहां से मिलता है, डेंसिटी से, तो समवेयर यहां पे कुछ इसने किया होगा। तो लेट अस स्टार्ट थिंकिंग एंड राइटिंग, 2 बाय 9 ईटा ऐसे लिखा रहेगा, जी कैसे लिखा रहेगा, इसमें रो को बाहर निकालो, हो जाएगा रो आर स्क्वायर, ठीक। अब मास से को रिलेट कराना है तो सम वेयर वॉल्यूम को इन्वॉल्व करते हैं, जिसको ऊपर नीचे आर आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इतनी चीज क्या है बच्चों, देखो इतनी चीज कांस्टेंट दिख रही है, तो लिख देंगे टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर क्यू अपॉन आर। मास क्या होता है बच्चों, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब ऑफ अ स्फीयर। अब 4 बाय 3 पाई ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो मास को प्रोपोर्शनल टू रो आर क्यूब कह सकते हैं, यानी कि जहां पे रो आर क्यूब लिखा मान सकते हैं मास और आर अपॉन नीचे रहेगा रहेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी सेड टू बी प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर, कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर फोर दे। सिर्फ 30 सेकेंड्स, ये आप 30 सेकेंड्स में कर सकते। टू आइडियल स्पेस ईच विद रेडियस आर एंड प्लेस सो दैट द सेंटर्स आर एट अ डिस्टेंस 6 आर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी प्रोपोर्शनल टू, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है किताबों का। ठीक, टाइम अप। देखिए, हमें मालूम है फोर्स होता है g m1 m2 by r square, तो वो मासेस के टर्म्स में नहीं जाना चाहता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जी मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, 4/3 pi r³ × 4/3 pi r³ इनटू डेंसिटी, डेंसिटी स्क्वायर हो जाएगा मास एंड डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका योग ऐसे ही अपॉन में r स्क्वायर। अब डेंसिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डेंसिटी 4/3 pi, सब कांस्टेंट है, तो पता चला फोर्स प्रोपोर्शनल टू ऊपर लिखा हुआ r की पावर 6, पिछले का r स्क्वायर, तो बन गया r की पावर 4। कौन सा उत्पत्ति कर देंगे? थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप ले सकते हैं 60 सेकेंड्स। पार्टिकुलर मास इन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, केवल आर विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर एन रिवोल्यूशन इज, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन रिवोल्यूशन क्या होगी? एक मिनट आप इसके लिए ले सकते हैं। पार्टिकल मास m, पार्टिकल ध्यान रखें कोई डिस्क वगैरह नहीं बची, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल आफ्टर m रिवोल्यूशन, अब यहां m रिवोल्यूशन इन्वॉल्व किया है, तो काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली तो हम क्या लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि इसने एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व किया, तो v इज इक्वल टू लिख देंगे r ओमेगा, इट विल बी हाफ m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर कहां से मिल जाएगा, तो हमें मालूम है इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, कंपेयर किससे कर रहे हैं इसको, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 as से कंपेयर कर लेते हैं। अब ये तो जीरो बोला मेरे से किया स्टार्ट, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 2 अल्फा थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा होता है 2 पाई n, ये सीधे सीधे यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, क्या बन गया हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया 2 × 4 pi alpha n, तो ये हो गया 2 × 4 कैंसिल हो गया, क्या बन गया 2 pi alpha n m r स्क्वायर, 2 pi n m r स्क्वायर कौन सा होता है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
Consider a small cube of mass and kept on a horizontal disk. If the disk is to rotate with uniform angular velocity, what could be its maximum value without causing any sliding between the cube and the disk? Coefficient of static friction दिया जा रहा है mu. 30 seconds only. ऐसे ही मैन के तो ज्यादा अच्छा रहे, एक डिस्क रोटेट कर रही है, ये क्यूब रखा हुआ है, कहीं मास रखा हुआ है, बाहर लग रहा है इसपे फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, अंदर बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शन. तो अगर हमारा हमारी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम पे आ जाएगी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन में भी मैक्सिमम पे आ जाएगा. लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर्मूला का तो म्यू एन दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर वो भी मैक्सिमम. एन क्या है, जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा. तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम. एम और एम कैंसिल हो गए, ओमेगा बन गया म्यू जी बाय आर का अंडर. कोई ऑप्शन flowing at a velocity v. While swimming, he keeps himself always at an angle 120 degrees with the river flow, and on reaching the other end, he finds drift of d by 2 in the direction of flow of river. The speed of the swimmer with respect to the river is 4 options to the end. इसमें आपको टाइम मिलेगा 80 सेकंड, एक मिनट पूरा, 20 सेकंड और ले लो, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन और डायग्राम देख करके सॉल्व करना. सेकेंड्स और बचे, क्वेश्चन ने क्या था, एक स्विमर तो जो क्वेश्चन चल रहा था, लाइट चली गई थी, फिर लाइट जाएगी थोड़ी देर बाद. इसमें आपको दिया था 80 सेकंड्स हमने, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. एक एक स्विमर
रिवर फ्लो के साथ, दिस इज रिवर वेलोसिटी, रिवर फ्लो के साथ 120 डिग्री बना करके रखता है, उसकी वेलोसिटी यू मिली, यू है रिवर वेलोसिटी, और वी है बच्चों रिवर वेलोसिटी। अगर ये 120 यहां से अगर 90 तो कितना बचा, 30 डिग्री। तो रिवर स्विमर का जो कंपोनेंट नदी पार करा वो कौन है, cos 30, और ये कौन है u sin, और ये क्या है रिवर का फ्लो। स्विमर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उस नदी पार करी तो वो रिवर के अलोंग ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट होता है बहता हुआ चला गया, d/2 डिस्टेंस इधर पहुंच गया, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो d/2 डिस्टेंस आगे बढ़ जाता। तो जो इसको आगे तरफ ले कौन गया, तो इसको आगे तरफ लेके रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी, अगर ये आगे गया इसका मतलब हमारा u sin 30 जो है वो v से कम है, v ज्यादा तो इसको आगे बढ़ा के ले गया, तो रिलेटिवली कितनी वेलोसिटी इसको आगे बढ़ाया गया, v माइनस u sin 30, दैट इज v माइनस u बाय 2 से वो आगे बह गया। नदी को पार करने में टाइम कितना लगा, तो टाइम इज डिस्टेंस, विड्थ ऑफ रिवर इज d, नदी को पार कौन करा रहा है, u cos 30 कंपोनेंट, टाइम कितना लगा, d by u cos 30। और तुम्हें याद हो कि बुक्स में नोट्स में तुम्हें लिखवाया होगा कि b to c डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द रिवर फ्लो का फॉर्मूला था डिस्टेंस अलोंग वेलोसिटी अलोंग द रिवर फ्लो, यहां पे वेलोसिटी अलोंग द रिवर फ्लो जो है वेलोसिटी पूरी वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं है, that is velocity, relative velocity of the swimmer respect to the river, यानी v minus u sin 30, यानी कितना, इतनी velocity से इसने नदी के along drift किया, और कितने time में, उतने ही time में जितने time में वो नदी पार करता है, जब तो नदी पार करता है तब तो आगे बढ़ जाता है, यानी नदी पार करने का time और drift होने का time क्या होता है हमेशा equal, यानी कि u cos 30, cos 30 कितना बच्चों, root 3 by। अब ये डिस्टेंस हमको b टू c दिया गया है d/2, इक्वेट कर देते हैं ऐसे, d और d कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, क्या लिखा है v माइनस u बाय 2 इंटू 2 u बाय रूट 3, दैट इज 1 बाय, हमें यहां बताना है फाइंड द स्विमर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, यानी हमें पता नहीं वैल्यू ऑफ u, u बताना है, ठीक है, तो 2 पे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या u by 2 तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, v minus u by 2 into या इस पूरा ले लो u root 3 by 4, यहां से u निकालना है तो इसको तो ले लो, v is equal to u by 2 plus u root 3 by, तो we have to find v, तो क्या लिखा हुआ है, v is equal to u common निकाले, u by 2 common निकाले, 1 plus root 3 by 2, that is 2v is equal to u bracket 1 plus root 3, जगह will come to तो सॉल्व करने बच्चों उसके आगे 2v is equal to u 1 plus root 3 by 2, 2v is equal to u 2 plus root 3 by 2, that is 4v is equal to u 2 plus root 3, so u is equal to जाएगा 4v upon 2 plus root 3। अब ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज, मतलब इसको हम 2 माइनस रूट 3 ऊपर 2 माइनस रूट 3 नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा तो नीचे लिखा हुआ a प्लस b a माइनस b, फाइनल आंसर यहां लिख लेंगे, लिखा हुआ है u इज इक्वल टू 4v ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है a square minus b square, a square हो जाएगा 4 minus b square हो जाएगा 3, so 4 minus 3 is 1, तो आपका आंसर आ गया
u is equal to 4 v bracket 2 minus root 3. ये आ गया आपका आंसर. इसलिए हमने आपको इसमें दिया था 1 मिनट 20 सेकंड, एंड सी ऑप्शन आपको टिक कर देंगे. सी ऑप्शन टिक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ तक आने के बाद भी आपका आंसर नहीं आया था, इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, देन यू गेट द करेक्ट आंसर. हो सकता है बॉल को हमने ड्रॉप किया किसी हाइट से, तो उसमें यू क्या था, जीरो, ए क्या था, प्लस जी. तो ये स्टेटमेंट सही गलत, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसको उसने पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसको हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें रॉन्ग वाला स्टेटमेंट टिक करना है. ध्यान रखना कि रॉन्ग राइट में कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, हमें राइट वाला स्टेटमेंट नहीं टिक करना जो रॉन्ग है, जो सही नहीं है. तो ए वाला तो सही है ना, कि जब बॉल को ड्रॉप करते हैं तो ए जीरो नहीं होता, ए इक्वल टू जी होता है, यानी ए इज नॉट जीरो बट यू इज जीरो. तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ये टिक नहीं करना, टिक करना है जो रॉन्ग है. बी ऑप्शन, जीरो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन इट्स वेलोसिटी जीरो. जीरो एक्सेलरेशन अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी जीरो, जैसा भी बताया ठीक है, हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है. वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है. तो हाँ भाई ये बात भी सही है, बी वाली बात भी सही है, तो इसको टिक नहीं करना है. सी ऑप्शन, इफ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो. कह रहा है कि अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, उसकी स्पीड जीरो ही होनी, उसका एक्सेलरेशन जीरो ही होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्यों, क्योंकि हमें कुछ केस पता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होने पे भी ए जीरो नहीं था. उसका बहुत कॉमन एग्जांपल है यूसीएम. यूसीएम बच्चों में मालूम है स्पीड क्या होती है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता हमेशा, इसमें एक्सेलरेशन कौन सा रेडियल बना रहता जो कि जीरो नहीं है. लेकिन ये कह रहा है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, तो मस्ट बी इज नॉट ट्रू. ठीक है, जैसे यूसीएम होता है ठीक, सोचो यूसीएम, हमको पता है कि यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन बना रहता है, तो विच वन इज रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, हमें टिक करना था रॉन्ग ऑप्शन. Now moving to the next question. If a copper wire, what is it? Copper wire is placed to make its radius decrease by 0.1%, then percentage increase in the resistance approximately. अब approximately अगर बोला गया तो सोचो इसमें आपको क्या approximate करना है, इस पर ध्यान दें. तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली लेंथ का सिग्निफिकेंस चेंज को हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, या तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज तो मालूम है 2% इनटू 0.1 तो -0.2%. तो माइनस क्या शो कर रहा है, डिक्रीज ऑफ द
डिक्रीज ऑफ रेडियस मीन्स इंक्रीज ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि हम अगर इसको डिक्रीज लेंगे तो इसको हम यूज करेंगे माइनस में, यानी कि माइनस वन इंटू माइनस टू दैट इज प्लस पॉइंट टू, प्लस का मतलब हुआ इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेडियस के इनवर्स है। तो डी ऑप्शन टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत कॉमन क्वेश्चन बुक्स का। वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव मे डिपेंड ऑन देयर वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी। तो आई होप कि इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा हमको। वेलोसिटी लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है और जी के प्रोपोर्शनल। क्या करेंगे, ए बी सी पावर एज्यूम करेंगे, के बराबर लैम्डा वेवलेंथ होती है एल, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एम एल माइनस थ्री पावर एच होता है एल टी माइनस टू पावर सी। एंड आई होप कि यहाँ से ए बी सी को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर ले जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। फिफ्टी सेकेंड तक ले सकते हैं क्वेश्चन। टू पॉइंट चार्ज फोर क्यू एंड क्यू आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। टाइम चल रहा है, 30 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जीरो कहां पर है, तो 4qq, तो ऐसा करते हैं हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं यहां से x, यहां डिस्टेंस जीरो, तो क्या होगा k into 4q by x square, भाई इसकी डेंसिटी आउटवर्ड से आउटवर्ड है, अगर इक्वल एंड अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली कह देंगे q by, ये बचा कितना 30 minus x whole square, दो तो अंडर रूट कर दो, 2 बाय x, 1 अपॉन 30 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 माइनस 2x इज इक्वल टू x, 60 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4q या 10 सेंटीमीटर फ्रॉम q, तो कौन सा ऑप्शन है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4q। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट और किसके साथ इसका रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए और एक्स इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कॉन्स्टेंट रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये ओमेगा क्या है, टाइम पीरियड, और क्या रहता है कॉन्स्टेंट। तो एक्स और ए का या ए और एक्स का रिलेशन तो याद रहती है ना, तो ए और एक्स का या एक्स और ए का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, और इसके रेशियो बच्चों याद रखना, नेगेटिव काउंट नहीं करते, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन शो करता है ए का विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट,
एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू एक्स, तभी ये बनाता है, ये लगाता है रीस्टोरिंग फोर्स, जैसा हम लोग थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। Surface of Earth is radius in terms of R is. इसमें क्या करना बच्चों, हमें मालूम है ग्रेविटी का फॉर्मूला इन टर्म डेंसिटी 4/3 पाई रो पाई कैपिटल जी रो इनटू आर, तो पता है ग्रेविटी रो और आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब प्लैनेट है डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ बट एक्शन टू डू ग्रेविटी सर्व इज द सेम एज अ डोनर, बहुत आसान क्वेश्चन। जी क्या, इसको सॉल्व करना है, देखो रो वन आर वन बराबर रो टू आर टू, डेंसिटी क्या है ट्वाइस, ये हो गया प्लेनेट का, ये हो गया अर्थ का, तो रो आर ऑफ अर्थ टू रो ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या हो गया रेडियस ऑफ अर्थ का आधा। ठीक, इवन ये 10 सेकंड क्वेश्चन था फिर भी चलो कोई बात नहीं, तो कौन सा ऑप्शन लिख करते हैं, सेकेंड ऑप्शन। Body of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making 30 degrees with the horizontal. 40 seconds. Start. Body of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making 30 degrees with the horizontal. Coefficient is static friction between the block and plane is 0.7. The frictional force on the block is. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉडी मास 2 kg रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन और मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो इंक्लाइन प्लेन इस नीचे कौन खींच रहा है mg sin 30 डिग्री, यहां का लिमिटिंग क्या है म्यू mg cos 30 डिग्री, वेल लिमिटिंग निकाल लेते हैं, म्यू कितना 0.7, 0.7 तो प्राइम बाय 10, मास कितना है 2 kg, ग्रेविटी कितना देखो 9.8, कॉस कितना तो √3/2, तो इसको भी हम अप्रोक्सीमेट करके 10 मान लेते हैं ग्रेविटी, तो कैलकुलेशन आसान से हो जाएगी। ठीक, एग्जाम में अगर 9.8 दे तो भी हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हैं, तो इट विल बी 7 √3। ठीक, ये लिमिटिंग लग रहा है इतना नहीं था। अब इसको खींच कौन रहा है, खींच रहा है mg sin 30, यानी हमारा एक्शन फोर्स कौन है mg sin 30, sin 30 कितना 1/2, m कितना है 2, ग्रेविटी कितनी है 10 × 1/2, ग्रेविटी 9.8 करके देखो एक्शन लग रहा है केवल 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन कह सकते, और यहां पे लिफ्टिंग कितना है 7 × √3, अगर समझ गए हो
समझ जाओगे कि ये वैल्यू 10 न्यूटन से कहीं ज्यादा है या कह लो 900 से कहीं ज्यादा है, तो क्या यहाँ पे कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा? तो आंसर है नहीं। तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है यहाँ पे? स्टैटिक। स्टैटिक कितना है? एक्सटर्नल के बराबर है। कितना एम जी स्टैटिक पड़े हैं बच्चे? केवल जी, और जी कितना? 9.8। व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग? 9.8 न्यूटन। अब जिन्होंने भी जो जवाब दिया जल्दबाजी में ध्यान से देखो, पहले लिमिटिंग निकालते हैं, एक्सटर्नल निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि फ्रिक्शन कौन सा लगे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कह सकते हो कि 60 सेकंड लगेगा लेकिन एक्चुअली 60 से कम लगना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लो। अ बॉल ए ऑफ मास एम आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन स्ट्राइक्स इलास्टिकली विद अनदर बॉल बी ऑफ मास 3 एम एट रेस्ट द मिनिमम हाइट एच सो दैट द बॉल बी जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर पोर्शन ऑफ सर्फेस सी विल बी ऑल सर्फेस स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। तो 60 सेकंड आर गिवन कि आप इसके डायग्राम को समझ सकते, थोड़ा सा जूम कर देते समझो। ये सिचुएशन, इसने इसको स्ट्राइक किया, इसे कंप्लीट कर लेना है जस्ट। अब जो भी सही हुआ है ये M मास, ये 3M। क्वेश्चन बोला बॉल इज स्लाइडिंग, क्वेश्चन में स्लाइडिंग वर्ड यूज हुआ, इलास्टिक कोलेजन वर्ड्स इस्तेमाल हुआ, ठीक। हम इन सब बातों को ध्यान रखते हुए देखें कि जब इससे टकराए तो ये जस्ट इसको कंप्लीट कर ले, इसका इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? मिनिमम रूट 5 gr होती है बच्चों। तो जब इससे टकराए तो बी की फाइनल वेलोसिटी 5 gr हो जाए, तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी सर्किल में जाने की जरूरत ही नहीं, खाली ये डाटा याद रखना है। अब ये इससे टकराए रूट 5 gr कर दे, ऐसा कब होगा? तो इलास्टिक कोलिजन में इसका मास है 3v, यानी कि v2 का फॉर्मूला अगर याद हो तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 से u2 तो वो तो जाएगा 0 प्लस 2m1, 2m1 कितना m अपॉन m1 प्लस m2 कितना m प्लस m, m प्लस 3m 4m इंटू u1। अब ये जब यहाँ स्लाइड करके आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? तो इसकी वेलोसिटी जो a की वेलोसिटी वो है अंडर 2gh, तो यानी कितना चाहिए 2gh, ठीक। ये v1 v2 के फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, ठीक। नाउ अब ये जो v2 है इसको vb को v2 कह रहे हैं और इसको v1 कह रहे हैं, सॉरी इसको u1 कह रहे हैं, जिसे टक्कर मारी वो u1 से टक्कर खाने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। इसकी वेलोसिटी से हमें कोई मतलब नहीं, निकालना नहीं हमें, ये निकालना, तो v2 ये हो गया। अब v2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? √5gr, तभी तो लूप कंप्लीट हो पाएगा। √5gr m बढ़ गया 1/2 अंडर रूट 2gh, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या जाएगा 5gr इज इक्वल 1/4 इनटू 2gh, gog कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई 2r, ठीक। r कितना दिया हुआ है? सॉरी 2r में 10 10r, 2 to 4, 2 5 to 10, 10 hours.
अब यहाँ पे क्या है इस्तेमाल हुआ है, ये बच्चे इलास्टिक लोडिंग आपको पढ़ाया गया, उसको रिवाइज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी v2 क्या रहता था, m2 - m1 अपॉन m1 * u2, u2 तो जीरो, इसको रेस्ट पे बोला गया था। और जो टक्कर मार रही है इसकी वेलोसिटी u1 है, तो u1 यहां लिख दिया 2gh, क्यों है, क्योंकि CUEP से हमको ये बात पता है। इक्वेट करते हैं रिजल्ट, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका रहेगा डी ऑप्शन, जिसमें डी ऑप्शन टिक किया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन इस काम से वन फेरनहाइट अगर देखोगे तो डेल्टा के पोजीशन देते हैं बार के -273/100 C/100 इज इक्वल टू F-32/180। और जब डिफरेंस की बात करते हैं तो अगर डेल्टा के बाय 100 इक्वल डेल्टा सी बाय 100 इक्वल डेल्टा एफ बाय 180। तो अगर हम 1 फारेनहाइट में देखते हैं बच्चों, तो डेल्टा सी बाय 100 डेल्टा एफ बाय 180, तो 1 फारेनहाइट अगर रिप्लेस करोगे तो विल बी 1 × 100/180, और ये जो वैल्यू आ रही है 1 डिग्री सेल्सियस से कम। तो 8 डिग्री से कम टेम्परेचर राइज कराना है तो वो टेम्परेचर 1 फारेनहाइट, इसमें हीट क्या जाएगी, कम जाएगी। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन, यानी 8 डिग्री सेल्सियस तक जो हीट जानी है वो, और जो 8 डिग्री सेल्सियस से कम हीट जानी है वो, दोनों हीट कंपेयर करो तो कौन सी हीट कम है, जिसमें टेम्परेचर राइज कम हो रहा है, कम किसमें हो रहा है, 1 फारेनहाइट। सो द ऑप्शन इज सी, तो कुछ लोग इसको टी को टिक कर दिए होंगे, उनको मान लो, कोई बात। क्वेश्चन नंबर 18, दो रॉड इन पैरेलल
80-20 के बीच में इनका लंबाई एरिया सब सेम है। K1 अगर 3x है और तो K2 4x है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि K इक्विवेलेंट, इफेक्टिव इक्विवेलेंट और फर्स्ट ऑर्डर K1 का रेशियो आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है जब एरिया लंबाई सेम होती है तो पैरेलल में रिजल्ट क्या रहता था, K1 प्लस K2 बाई 2 इन पैरेलल। तो K1 कितना जाएगा, 3 और 4, 7x बाई 2। और पैरेलल ऑर्डर कितना है, केवल 3x, इतना के 7:6। सेकेंड ऑर्डर ऑफ ओपन पाइप, सेकेंड ऑर्डर पाइप ऑफ कितनी होती है, फंडामेंटल होती है वी बाय 2L और सेकेंड क्या होती है 2 टाइम्स हो जाती है। इज थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज, थर्ड हार्मोनिक क्या होती है 3V/4L, तो L1 है L2 बस सॉल्व करो। सेकेंड ऑर्डर, सॉरी सेकेंड ऑर्डर होता तो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप एंड द थर्ड सेकेंड ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक का क्लोज पाइप मतलब थर्ड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक क्लोज हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बताना है, एलोन अपॉन एल टू, एलोन अपॉन एल टू 4/2। क्वेश्चन पढ़ते आंसर आना चाहिए। स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l हंग वर्टिकली फ्रॉम अ सीलिंग एंड मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड वेव पल्स इज जनरेटेड लोअर एंड द वेलोसिटी ऑफ द पल्स मूव्स अप। तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी जो है वो टेंशन के डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं, टेंशन बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है। 10 सेकंड का आंसर। अब करंट के करंट लूप या सर्कुलर टेंशन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप इज इतना, 20 सेकंड चलो। What is current in the loop? Magnetic moment दिया गया और loop में current पूछा गया। तो PM बराबर IM था। PM कितना होना चाहिए? 0.314। I पता नहीं। Number one, area of the pi r square, pi r r कितना है? 10 centimeter का square। कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर को मीटर में, स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकालना है करंट, तो 10^3 है ना 1000 और पाई को कहते हैं 3.14 मतलब 100 डिवाइड। अब मार्कर मचा दो, 3 और 4 कैंसिल हो गए, एक दो कैंसिल हो गए, एक और कैंसिल हो गया। व्हाट इज द करंट, सीधे से टेन में पहुंचा तो I बराबर 10। ठीक, 20 सेकंड से पूछ लूँ, फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा। टेन सेकंड स्टार्ट। Two particle reaction having equal charge being acted through the same potential difference enter region of uniform magnitude. The
and describe circular path of r over 2, the ratio of masses of x and y. रेडियस के हमने कई फॉर्म में पढ़े थे, एम बी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी, अंडर टू एम के बाई क्यू बी, वन अपॉन बी, अंडर टू एम बी बाई क्यू, इसको डालो आर वन अपॉन आर टू, क्या किया गया, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम पोटेंशियल है और सेम चार्ज भी है, क्या बताना है उनके मासेस का रेशियो, तो रूट एम वन अपॉन रूट एम टू, और ये तो सेम था, तो एम वन अपॉन एम टू क्या हो गया आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर। दस सेकंड क्वेश्चन, लेकिन ये सेमी इनफाइनाइट है, ये सेमी इनफाइनाइट, एक सेमी इनफाइनाइट फील्ड क्या होती है म्यू अपॉन 4 पाई आर, पाई से 2 हो गए तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर, आर जो है एरिया के कौन सा म्यू अपॉन 2 पाई, सिंपल साधारण क्वेश्चन। 10 सेकंड, इक्विलेटरल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन इज, एम और एन के बीच में इक्विलेटरल डिस्टेंस, इसे बहुत टाइम लगा सोचने में कौन सा क्वेश्चन देंगे, कोई क्वेश्चन छोड़े ही नहीं, सारे लगभग लगभग सारे सर्किट तुम करा दिए थे, तो एक छोटा सा सर्किट सर मैं कि ये पूछा जा सकता है, सब वन वन ओके, इसमें 10 सेकंड ले लो, चलो इसमें तुम ले लो 40 सेकंड, 40 सेकंड तो क्योंकि थोड़ा देखना पड़ेगा ना कि है क्या, उसमें डैम हो जाएगा। ये पॉइंट में खोल कैसे लिख सकते हैं तार से, अब इसका कोई मतलब रह जाता है इन सब के लिए तार लग गया है, तो इस अगर भाई यहां से तार लगा दिया तो अल्टीमेट में सबको क्या कर रखा है शॉर्ट कर रखा है, तो पूरा पूरा जो ऊपर का डब्बा है गायब, बचा क्या एक और एक दो, दो और एक पैरेलल में कितना जाएगा 2/3। Each of them E and interactions R are joined in series to form a closed circuit. The potential difference across any one cell is किसी भी एक cell के across potential difference कितना? यानी किसी भी एक cell का potential drop कितना? यानी किसी भी एक cell का terminal voltage कितना?
क्या किया, बहुत सारे सेल्स से लगा देते हैं, नॉर्मली लोड लगाते हैं, लेकिन लोड के बारे में बात नहीं करी इसने, सबको उठा के ऐसे जोड़ दिया गया और किसी भी एक का टर्मिनल वोल्टेज पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे, क्योंकि सारे सर डिस्चार्ज हो गए तो भी इसको ई माइनस आई आर वाला फॉर्मूला लगेंगे। अब आई क्या लिखोगे तो एन सेल्स का, एन सेल्स का करंट फॉर्मूला क्या था, एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, लेकिन कैपिटल आर तो है नहीं, तो एन आर प्लस कैपिटल आर जाने दो, तो बचाइए अब ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गए, ई माइनस ई दैट इज जीरो, तो क्या आंसर आएगा, जैसे करंट का फॉर्मूला बच्चों था एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, पर यहाँ पे कैपिटल नहीं जोड़ा गया, सारे सेल्स को लेकर इकट्ठा जोड़ दिया, तो कैपिटल जो है क्या हो गया जीरो, इसलिए जो आई था आई वहां रिप्लेस कर दिया एन अपॉन एन आर कमिंग टू स्मॉल आर, कट बिटवीन ई माइनस ई दैट इज जीरो। The masses of three wires of copper, ध्यान देना copper बोला गया है, are in the ratio 1:3:5, mass के ratio and the length are in the ratio 5:3:1, ratio of the electrical resistance। तो जो वो common question है, हमने इसलिए लिख दिया कि मान लो बहुत कभी कभी बहुत पुराने question कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ mass को involve कर लिया, तो मालूम resistance क्या होता है, rho l by a होता है, density का symbol d ले देते हैं, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, यहां से केवल एरिया निकाल लो, एरिया क्या लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ इनटू डेंसिटी, इसको रिप्लेस करो, तो रेशन बन गया रो एल बाय ए, ए क्या लिखते हैं मास ऊपर चला गया लेंथ इनटू डेंसिटी, तो आर बन गया रो एल स्क्वायर डी बाय एम, क्योंकि कॉपर है तो कॉपर रेसिडी सेम रहेगी, कॉपर की डेंसिटी सेम रहेगी, तो पता चला रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम। अब हमें बताना है आर वन आर टू आर थ्री का रेशियो, एल वन एल टू एल थ्री रेशियो दिया 5:3:1, मास रेशियो दिया 1:3:5, कोई बात नहीं, तो लेंथ के बदले रेशियो स्क्वायर कर दो, फिर 25 और इसका 1:3 का स्क्वायर 9:2, 3 का 3 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 5, ये हमें मिला आर वन आर टू आर थ्री, लेकिन ऑप्शन को मैच नहीं कर रहे, इसको थोड़ा और सही करते हैं, 25:2 क्या लिखा 3:3:9 1/5, अभी मैं आंसर मैच नहीं किया, इसको पूरे को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके टाइप कर दिया, तो 25:5 125:15:8 Electricity is given
दूंगा ई वन बाई एक्स स्क्वायर वोल्ट पर मीटर, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स टेन टू एक्स ट्वेंटी इज क्या जानते हैं v इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, माइनस ई कितना दिया वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस प्लस बीस कितना रहेगा v इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस बीस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स सिंपल क्वेश्चन था, बस ये रिलेशन याद रखें इंपॉर्टेंट। ऊपर का क्वेश्चन नहीं बचा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम चार्ज इज ई एंड आइडेंटिकल चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस टू एक्स फ्रॉम देम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट इट एक्सपेल्स इज 30 सेकंड्स। प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, e डैश प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि इंटेंसिटी क्या हो गया e बाय 4, फोर्स क्या हो जाएगा qe होता है q e डैश, तो दैट इज qe बाय 4। क्या गलत है ध्यान रखना, वेलोसिट्रॉन इज मोर इन डेंसर मीडियम, ये बात तो सही है। साउंड प्रोपगेशन इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ये बात भी सही है। फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव्स एंड इट कंस्टिट्यूएंट वेव्स आर सेम, इस पर सोचते हैं। चौथा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ट्यूब विल चेंज इफ चेंज द लिक्विड मेंटेनिंग सेपर से, मतलब कहने के क्या कह रहा, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अगर हमने पानी लिया यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा था, उसी लेवल पे हम यहाँ पानी की जगह कोई और लिक्विड ले लेते हैं, ब्लीचिंग ले लेते हैं, तो फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी। अरे भाई वो डिपेंड करती है वैकेंट स्पेस पे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो रेजोनेंस ट्यूब विल चेंज इफ द चेंज द लिक्विड मेंटेनिंग द सेम लेवल, क्या लिक्विड के चेंज करने से आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, तो है नहीं, तो गलत कौन सा है इसमें, रॉन्ग कौन सा, यही तो रॉन्ग है। डी ऑप्शन ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स एंड इट्स कांस्टेंट वेव्स आर सेम, तो एक्चुअली जो वेव है वो किससे बन गई, वाई स्क्वायर वाई वन प्लस वाई टू से बन गई, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स आर सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो समटाइम्स इट इज सेम समटाइम्स इट इज नॉट सेम कांस्टेंट वेव फ्रीक्वेंसी, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो चौथा ऑप्शन टिक कर देंगे, लिक्विड के वजह से ये वैकेंट स्पेस चेंज नहीं हुई, तो प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक। तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। क्वेश्चन 30, 10 सेकंड। टू बॉल्स ऑफ प्रोड्यूस विद इक्वल वेलोसिटीज बट एट नॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देयर maximum height must be equal, radius must be equal, maximum height, radius, time of flight must be equal, maximum radius, time of flight may be equal.
उसने बोल दिया इक्वल वेलोसिटी, सो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं। As per Bohr's model, the minimum energy required to remove electron from the ground state to double ionized lithium Z is equal to 3. 30 seconds, please. Z square कहाँ से लेंगे? From the ground state, ठीक? तो ground state से इसको अगर हमें ले आना है, ionize कराना है, तो infinite तक right से बात है, 13.6 by 1 square minus तो Z square into 13.6 तो Z कितना गया? 3 का square 9 and 13.6 multiply करके बच्चों को 122.4 electron volt आंसर 30। केवल 10 सेकंड में करना है, बहुत आसान। इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिड्यूस फ्रॉम 600 टू 400। वेव लेंथ कम कर दी तो क्या होगा? स्टर्म पोटेंशियल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन विल डिक्रीज। वेवलेंथ अगर हम घटाते हैं, वेवलेंथ घटाने का मतलब होता है एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी का बढ़ना, ये एनर्जी बढ़ गई और इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? अगर यहाँ लिखा होता काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन तो लिखा नहीं। और हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवीएस, जाहिर सी बात है ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? इंडक्शन ऑफ सी एम्पलीफायर इज इतना ओम, ओम लिखा हुआ है, एंड लोड रेजिस्टेंस इज 5 किलो ओम, चेंज इन बेस करंट 15 माइक्रो एम्पीयर रिजल्ट इन द चेंज इन कलेक्टर करंट बाय 1 मिली एम्पीयर, द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। इसका तो 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो सोचते रहोगे। डेल्टा एसी चेंज डायरेक्ट में दिया गया 1 मिली एम्पीयर एंड माइनस 3, बेस करंट बाय 15 माइक्रो एम्पीयर, 15 10 के माइनस 6, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिया गया? इनपुट रेजिस्टेंस दिया गया 33 ओम, इनपुट 3 × 10 और ये कितना था? 5 किलो ओम, एंड बट तो साफ हो जाएगा, सॉल्व कर लो, इट विल बी नियरली 1,000 34। पांच सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद, 5 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने टाइम नहीं उड़ते हैं, पढ़ने के बाद यू हैव टू वेट इन 5 सेकेंड। कॉपर जर्मेनियम हीट करेंगे 50 डिग्री फ्रॉम द रूम टेंपरेचर, क्या क्या पता चलेगा? तो बच्चों कॉपर है कंडक्टर, जर्मेनियम है सेमी कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बढ़ता है और जर्मेनियम का घटता है, तो कौन सा ऑप्शन दिखता है? ए ऑप्शन दिखता है।
पढ़ने के बाद 5 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, या तो अल्फा फॉर कंडक्टर्स इज पॉजिटिव एंड अल्फा फॉर इंसुलेटर्स इज नेगेटिव, अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। इंसुलेटर का कोई पूछे तो नेगेटिव बोलना, सेमीकंडक्टर का पूछे तो नेगेटिव बोलना। अल्फा 35 प्रिपेयर्ड रेडियो दिस सोर्स हाफ लाइफ 2 आवर एमिट्स रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी व्हिच इज 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ वेवलेंथ, मिनिमम टाइम आफ्टर व्हिच इट कुड पजेस पॉसिबल 20 सेकंड्स। 6 घंटे 12 घंटे 42 घंटे 110 घंटे। अभी वो 64 टाइम्स ज्यादा दे रहा है, यानी कि जब वो अपने इनिशियल का 64 गुना हो जाएगा तो उसके अंदर उसमें आ जाएगा 64 का मतलब हुआ n नॉट अपॉन 2 की पावर 6, 2 का 6 64 होता है। और कंपेयर कर लो n नॉट अपॉन 1 बाय 2 पावर n का लिख सकते हैं 1 बाय 2 पावर n कितने n का नंबर हाफ लाइफ, तो कितने हाफ लाइफ होंगे 6 हाफ लाइफ होंगे, एक हाफ लाइफ कितने घंटे की 2 घंटे की, तो 6 दूनी 12 घंटे एक हाथ में 2 घंटे के 6 हाथ में 6 दूनी 12। इफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 12% ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर पासिंग थ्रू हाइड्रोजन गैस इन ग्राउंड स्टेट देन नंबर ऑफ लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम विल बी, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला बच्चों याद रखो n n minus 1 by 2 number of lines। अब कहां से ये किस स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रही है, किस स्टेट से ये आ रही है, मैं निकाल लेता हूं ट्राई बिल्कुल 40 सेकंड। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला हो गया n n minus 1 by 2 12.75 is equal to 13.6 upon minus 13.6 upon 1 square minus 13.6 upon n square। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ रिजल्ट आ जाएगा n equal to 4, यहाँ सॉल्व करेंगे n equal to हो जाएगा 4, एक्जेक्टली 4 आ जाएगा, n square 16 आएगा, 16 सॉल्व करने 4 आ जाएगा, 4 अगर आ गया तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगे कैपिटल n 4 4 minus 1 by 2 2 to the 4 3 to the 6 आंसर आएगा 6। An X-ray tube operating at 30 kV will emit X-rays of minimum wavelength. Okay. So, Dewey-Hand law use current like this. Lambda is equal to 12400 upon potential. Put karte 12400 upon 30, 10 to the power 3. Solve the 4.14
सी ऑप्शन। होपफुली याद होगा आपको, आना आसान। इसको सॉल्व करने में आपको 40 सेकंड लग सकता है, तो थिंकिंग लेकिन सोचने में टाइम लगता है। कई मीडियम से गुजरती जा रही है और ये ए बी जो है, ए बी और सी डी दूसरे के पैरेलल, ए बी और सी डी दूसरे के पैरेलल। Ray of light passes through four transparent media with reflectiveness mu one, mu two, mu three, mu four as shown. The surface of all media are parallel if the emergent ray CD is parallel to the incident ray AB. Then, तो अगर AB CD के parallel है तो ये portion क्या है? इसमें दोनों में इसके parallel emergent ray निकले, इसका तो ये और ये एक ही medium के हो गए, तभी finally क्या हो गया? कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी म्यू वन इक्वल टू म्यू फोर डिग्री। चौथा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड में जवाब। इन वाईडीएससी Fringe width is 0.4 mm if the whole record is immersed in water of rated 4/3 without disturbing the geometry of the new fringe width. For question only 5 seconds. Do not obey Dewey-Hunt law. Their wavelength depend on potential of striking electron beam used in diagnosis and treatment. All of the above. तो बच्चों देखो, पहले स्टेटमेंट तो सही लिखा होगा कि दे डू नॉट ओबे ड्यूएनहंट लॉ। ड्यूएनहंट लॉ क्या होता था? ड्यूएनहंट लॉ कहता था लैम्डा इज इक्वल टू 12400 अपॉन वोल्टेज। ये है कंटीन्यूअस एक्सरेस के लिए, ये किसके लिए होता है? फॉर कंटीन्यूअस एक्सरेस के लिए होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस का प्रोड्यूस होना अनसर्टेन होता है, कब प्रोड्यूस होना, कहां हो जाए कुछ पता नहीं। दूसरा जो ड्यूएनहंट लॉ है वही ये है, इसका मतलब जो ये बात सही है गलत हो गई। यूज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इन जनरल एक्सरेस का दोनों काम होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस में यूज नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को ब्रेड यूज ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका प्रोड्यूस होना ही सर्टेन नहीं होता। ठीक, तो अब किसी ने ऑल ऑफ जब टिक कर दिया तो गलती है, तुम जल्दबाजी मचा दी तुमने, ए ऑप्शन नहीं। अपने बच्चों के लिए इसमें लगेगा 10 सेकेंड और बाकी बच्चों को लगना चाहिए इसमें 2 मिनट। ये डिफरेंस 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री मिक्स इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 देन क्या हो गया? टेम्परेचर मिक्सचर कितना कितने आइस बची, कितनी पिघल गई, ये होता। अपने बच्चों को 10 सेकंड लगेगा, जिनके पास नोट्स हमारे कैलोरीमेट्री के वो पढ़ा हुआ है उनको 10 सेकंड लगेगा, बाकी लोग इसमें सॉल्व करेंगे, एमसीडी डेटा थीटा लगाएंगे, एमएल लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, उनको लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट। 2 मिनट या 2 मिनट थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन लगेगा एक से ऊपर ज़्यादा, 60 सेकंड से ज़्यादा लगने लगेगा। ठीक, तो जो 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री यानी कितना हो गया? 3/2400। उधर हमने सॉल्व किया तो डिफरेंस किया, डिफरेंस करके देखो कि रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है,
और नेगेटिव आ रहा है तो टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है, और नेगेटिव अपॉन माइनस 80 करोगे तो आएगा 11 पॉइंट कुछ, और 30 घटाएंगे तो ए ऑप्शन टिक कर लेंगे 40। ठीक है, तो ये बता चुके हैं कि चाहे कितना भी एंगल बन रहा हो, इस तरह के केस में अल्टीमेटली कोई भी एंगल बन रहा हो, नेगेटिव क्या रहती है, जीरो। क्लास टॉपिक क्वेश्चन है आपके, करंट के हिसाब से रेजिस्टेंस कंपनसेट हो जाता है बच्चों, और रिजल्ट क्या रहता है, जीरो, कोई भी एंगल बन रहा हो। आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन मिले जिन्हें ये 90 डिग्री बना रहा है, ये I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है, डिफरेंस जीरो, करंट आया डिवाइड होकर चला गया, 60 डिग्री बनाया, I1 I2 डिफरेंस, ये पूरा सॉल्व कराया था, डायरेक्ट करके दिखाया था, मतलब बता दे याद करो कोई भी एंगल बन रहा हो तो फील्ड जीरो। टेन फाइव क्या होता था, वर्टिकल मोड अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब दोनों बराबर है जाहिर सी बात है, तो फाइव कितना देगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस विच कैन बी ऑब्टेंड यूजिंग थ्री इंडक्टेंसेस। अगले 5 सेकंड सॉल्व करें, 6 और 3 का पैरेलल हो जाएगा 2, 2 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा 1। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस होते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन पूछो, क्या सिखाया बच्चों, कोई भी फॉर्म लिखा हो केस फॉर्म में, तो क्या हम कंपेयर करते हैं इसको ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लेते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया हमारा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी हो गया, तो ओमेगा कितना हो गया, अंडर रूट पी हो गया, ओमेगा क्या होता है 2π/2, व्हाट इज पी, पी बन जाता है 2π/√3। 2π/√3 के कौन सा ऑप्शन, तो आई होप बच्चों आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, एंजॉय का मतलब आपने उसको क्वेश्चन को ठीक से किया हो, एंजॉय तो वैसे एजुकेशन में ज़्यादा एंजॉय करेंगे तो भी एंजॉय करते रह जाते हैं, तो होपफुली आपने अपने आप एनालाइज कर लिया होगा और प्रिपरेशन का लेवल समझ में आ गया होगा कि कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन हमसे हो जाना चाहिए एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड के भी हैं, कुछ क्वेश्चन 1.5 मिनट के भी हैं, 40 सेकंड्स के भी हैं, अलग अलग टाइम में, तो एक एवरेज आप करते चलेंगे। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो जाए, और ये जरूरी नहीं हर क्वेश्चन आपका जो है 2 मिनट में हो, जरूरी नहीं कि 5 सेकंड में हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पे, उसको अपने हिसाब से हैंडल करें। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके आधे घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए हैं तो आप डिप्रेस हो जाओ, या आपके जो है 10 क्वेश्चन में केवल 5 ही मिनट लगे तो आप उछलने लग जाओ, तो यू हैव टू मैनेज मेंटल लेवल अपना, आपको वहाँ मैनेज करके चलना है और होपफुल रहना है, यस आई कैन, आराम से, कभी पैनिक नहीं होने देना, अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को, अंदर के एटमॉस्फेयर को
बहुत बैलेंस और अच्छे से बना के चलना है। शुरू में एकदम से सब चीज़ें अच्छी होने लग जाएँ तो भी ओवर एंथुजियाजिस्ट मत हो जाओ, या चीज़ें बहुत स्लो हो रही है तो डिप्रेस मत हो जाओ। इस पर थोड़ा सा काम जरूर कर लो बच्चों, इस पर कोई ज़्यादा बताता नहीं है, काम सिर्फ इस पर ही करते रहते हैं। तो इस विद दिस पीस ऑफ एडवाइस आई एंड द सेशन एंड आई होप कि एक नया एक और सेशन इसमें हम करा लेंगे विद इन द बिफोर 7th में। तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।